मध्य प्रदेश के सिवनी में बहुत ही अचंभा में डालने वाला मामला सामने आया है। इस घटना के चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जिले की तहसील लखनादौन के उपनगरीय क्षेत्र दूमा में अज्ञात शव को दफनाने का मामला सामने आया है। परिजनों की मांग पर पुलिस ने शव को बाहर निकाला और फिर परिजनों ने मौके पर ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पूरा मामला दूमा थाने का है, जहां जेसीबी मशीन की मदद से करीब 15 दिन पुराने शव को बाहर निकालकर परिजनों को सौंप दिया और मौके पर ही अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बता दें कि दूमा थाने के अंतर्गत बरबटी गांव के पास जंगल से लगभग 15 दिन पूर्व एक अधेड़ का शव बरामद किया गया था। यह शव 4 से 5 दिन पुराना था। उस समय इस शव की पहचान नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से दूमा पुलिस ने शव को दफना दिया था। 15 दिन बाद परिजनों ने शव के कपड़ों से उसकी पहचान की और दूमा पुलिस को सूचित कर मांग की कि वह सभी लोग दफनाए गए शव को बाहर निकालकर विधिवत अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, जिस पर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार शव को निकालकर परिजनों से अंतिम संस्कार करवाया गया। प्रशासन की ओर से शव को निकालते वक्त सबसे बड़ी गलती यह की गई कि शव को जेसीबी मशीन से निकलवाया गया, जबकि दफनाए गए शव को सम्मान के साथ नियमानुसार बाहर निकाला जाना था। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह जेसीबी से शव को बाहर निकाला जा रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक वाली बात है, क्योंकि शव को निकालने में सम्मान होना और नियम अनुसार शव को बाहर निकालना जरूरी होता है, और जेसीबी मशीन से शव को निकालना अपने आप में शर्म की बात है। मेरा नाम संजीव यादव है। जोर से बोलो। हाँ। पिताजी का नाम सादिक जान है। हाँ। रिक्शा लेके जबलपुर गए थे काम में। हाँ। तो वहाँ से वापस हुआ दूसरी दिन। हाँ। जबलपुर से। हाँ। फिर उसके बाद पता नहीं रहा, तो बाद में पुलिस वाले बाद में पूछ रहे, काम करते रहे सामने। हाँ। एक मिनट। हाँ। जब कपड़े से पहचान। हाँ। फिर जब कपड़े से पहचाने तो जबलपुर मिले, वहाँ भी पता किए, तो बोलते दूसरे रिक्शा खड़ी करके चले गए। हाँ। तो आप पिताजी की मृत्यु हो गई, आपकी सूचना कब मिली? 9 तारीख। हाँ। अच्छा, फिर आप उसके बाद अब क्या कर रहे हैं? शव को दफना दिया गया है, अब आगे क्या कार्रवाई क्या कर रहे हैं फिर आप? अंतिम संस्कार करना, जलाना। धूमा थाना अंतर्गत ग्राम बरबटी में एक शव मिला था 8-10 दिन पुराना। अभी उस शव को पुलिस ने दफना दिया है, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही? जी मैडम, दिनांक 29/6/2019 को लावारिस हालत में लाश मिली थी, उसको पुलिस द्वारा सिक्योरिटी को मिलेगा लावारिस की स्थिति में दफना दी गई है। 10/7/2019 को मृतक के पत्नी और उसके द्वारा कपड़ा उससे पहचान की गई है, जिसमें से हमने शनाख्त को अपने कब्जे में लेने के लिए माननीय एजेंट साहब के यहाँ आवेदन देकर के स्वीकृत कराया है। आज उसी संबंध में लाश जो है दफनाएगी, वहाँ से निकाल कर उसको की जाएगी।